नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक यादव और आप देख रहे हैं मिस्टर इलेक्ट्रिक रिव्यू। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किसी भी बैटरी की, चाहे वो इन्वर्टर बैटरी हो या फिर गाड़ियों की बैटरी हो, तो उसका हम बैटरी का बैकअप कैसे बढ़ा सकते हैं, लॉन्ग लाइफ उसकी कैसे चला सकते हैं और उस बैटरी का जब तक वो बैटरी हमारे पास रहे, जब तक वो बैटरी चले, तो उसकी लाइफ और उसका बैकअप पूरा दे, किसी भी प्रकार की उसके अंदर प्रॉब्लम ना आए, जब तक उस बैटरी की लाइफ ख़त्म ना हो, जब तक वो पूरा बैकअप दे और बैटरी हमारी लंबे टाइम तक चले, तो उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना है दोस्तों। तो दोस्तों बैटरी जब हम नई ख़रीदते हैं या पुरानी बैटरी है हमारे पास, तो हम नई से बात करते हैं। जब हम नई बैटरी ख़रीदते हैं तो नई बैटरी के साथ हमारे साथ आती है गारंटी और एक आती है प्रोराटा वारंटी दोस्तों। तो गारंटी के अंदर तो हमारी बैटरी, जो भी बैटरी कंपनी हो कोई भी, तो वो फ्री रिप्लेसमेंट देती है, चाहे वो 2 साल की गारंटी हो या 3 साल की गारंटी हो। उसके साथ में प्लस में हर बैटरी के साथ, लगभग हर बैटरी के साथ आपको प्रोराटा वारंटी और मिलती है दोस्तों। प्रोराटा वारंटी के अंदर बैटरी चेंज करते हैं तो उसके अंदर आपको रुपए पे करने पड़ते हैं, तो वो चाहे या बैटरी आपकी पुरानी वाली बैटरी किलो के हिसाब से लो या फिर जो डब्बे पे MRP आती है बैटरी की, उससे कुछ लेस करके बैटरी दी जाती है दोस्तों। तो जब भी हम नई बैटरी ख़रीदते हैं तो उसके साथ गारंटी भी आती है, प्लस में प्रोराटा वारंटी आती है दोस्तों। अब बैटरी हमारी आ गई तो उसके बाद में उसकी जितनी गारंटी है, 2 साल की गारंटी है तो बैटरी 2 साल, और 3 साल की गारंटी है तो 3 साल की गारंटी तक तो हमारी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसके बाद में हमारी बैटरी प्रॉपर चले उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों। तो उसके लिए छोटी छोटी एक दो बातों का आपको ध्यान रखना है दोस्त। तो सबसे पहले एक नियम बना लो कोई भी बैटरी के, कि हर 2 महीने पे हमें बैटरी को चेक करना है, उसके अंदर चेक करना है और उसकी सर्विस करना है। सर्विस के अंदर आपको कोई खर्चा नहीं आएगा, सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। सर्विस के अंदर दोस्तों एक दो चीज़ें ये होती हैं कि कभी नट बोल्ट वगैरह ख़राब हो जाते हैं तो 10-20-50 रुपए का खर्चा होता है। वो कभी कभार जब बैटरी के आपको प्रॉपर आप हर 2 महीने या 3 महीने पर आप चेक नहीं करते हो बैटरी को, तब क्योंकि जब आप बैटरी को हर 2 या 3 महीने के अंदर आप बैटरी को चेक करते रहोगे तो उसमें आपको पता रहेगा बैटरी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और आप उसी टाइम पे आप उसको चेंज कर सकते हो दोस्तों। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 2 या 3 महीने पर बैटरी को चेक करना है, और चेक करने पर आपको सर्विस करनी और चेक करना है। तो चेक या सर्विस के अंदर आपको क्या क्या करना है कि सबसे पहले बैटरी के अंदर जो पानी होता है उस पानी को चेक करना है कि बैटरी के अंदर वाटर लेवल कितना है दोस्तों। तो बैटरी के ऊपर 6 वाटर लेवल लगे होते हैं, तो सभी वाटर लेवल को आप चेक कर लो। अगर बैटरी फुल पानी में होगी, पूरा पानी है बैटरी के अंदर, तो वाटर लेवल बिल्कुल ऊपर ग्रीन वाले सिंबल पर रहेंगे। जब भी आपकी बैटरी बीच में रहे वाटर लेवल या फिर उस बिल्कुल रेड पे आ जाए, तो रेड पे आ गया तो आपको पानी डालना ही डालना है दोस्तों, और अगर बीच में भी आ जाता है तो भी आप थोड़ा थोड़ा उसके अंदर पानी डाल दें। और पानी डालते समय एक चीज़ का ध्यान रखें कि कभी भी बैटरी को फुल ना भरें, थोड़ा सा उसको नीचे रखें पानी को, लगभग आधे या 1 इंच के तकरीबन उसको पानी को नीचे रखें, ताकि पानी जब भी बैटरी हमारी इन्वर्टर से चार्ज हो तो बैटरी उबल के पानी बाहर ना आए और पूरी फर्श को ख़राब ना करे दोस्तों। उसके बाद में बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक प्लस टर्मिनल और एक माइनस टर्मिनल। तो दोनों टर्मिनल पर देखो पहले तो कि कोई कार्बन तो नहीं जमा हो गया है, किसी प्रकार का सल्फेशन या कार्बन तो जमा नहीं है। अगर सल्फेशन या कार्बन जमा है तो गर्म पानी करो और उसके बाद में आप बैटरी के दोनों टर्मिनल को खोल के बढ़िया, और बाहर कच्ची फर्श पे ले जाके, मिट्टी पर, फर्श पे नहीं, फर्श पे तो आपका पूरा फर्श ख़राब हो जाएगी, आप धोओगे या साफ़ करोगे तो। बाहर कच्ची मिट्टी फर्श पे ले जाके आपको अच्छी तरह से उसको साफ़ करो, कार्बन को साफ करो दोस्तों। अगर नट बोल्ट ख़राब है तो चेंज कर दो, और वायर में इन्वर्टर के वायर पे थिम्बल वगैरह ख़राब है तो उसको भी आप थोड़ा काट के और दूसरा थिम्बल लगा के और उसको दोबारा से नट बोल्ट कर दो। नट बोल्ट करो तब उसके साथ ग्रीस या जेली ज़रूर लगाओ ताकि दोबारा से उस पर कोरोजन या कार्बन ना जमे दोस्तों। डबल बैटरी का सेट है आपके पास तो उसके अंदर ये ध्यान देना है कि हमारी दो बैटरी लगी होती है तो दोनों बैटरियों का एक प्लस और एक माइनस आपस में कनेक्ट होता है, और एक बैटरी का एक प्लस और एक का एक माइनस आपके इन्वर्टर से कनेक्ट होता है दोस्तों। तो उन वायरों को आप चेंज कर दो,
दोनों बैटरियों के एक को पहले जिसका प्लस लग रहा था उसके माइनस पे लगा के और दूसरी बैटरी का जिस पे माइनस पे लग रहा था उस पे प्लस पे आप कनेक्ट करके और दोनों बैटरियों का चेंज कर दो दोस्तों। वायर चेंज करने से क्या होता है दोस्तों, दोनों बैटरियों का पूरा प्रॉपर बैकअप चलता रहता है और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। ये दो तीन बातें आपको हर दो या तीन महीने के अंदर आप इसकी बैटरी के अंदर पानी देख लेते हैं, प्रॉपर सर्विस कर देते हैं, तो इससे हमारी बैटरी क्या है कि प्रॉपर लाइफ चलती है दोस्तों। गारंटी वारंटी में तो हमें कोई पैसा नहीं देना पड़ता, लेकिन बैटरी अगर वारंटी के बाहर ख़राब हो जाती है तो फिर बैटरी के अंदर पैसा लगता है दोस्तों। तो इससे अच्छा है कि हम बैटरी को हर दो या तीन महीने में चेक करते रहे, तो जिससे हमारी बैटरी पूरी लाइफ चलेगी और पूरा बैकअप देगी। हाँ, टेक्निकल कोई इश्यू आ जाता है बैटरी के अंदर तो वो बैटरी हमारी गारंटी वारंटी के अंदर ही 90% ख़राब हो जाती है, टेक्निकल इशू आता है। लगभग बैटरी नहीं खरीदते हैं तो लगभग 6 महीने के अंदर ही बैटरी ख़राब हो जाती है हमारी, तो उसको जब ही चेंज हो जाती है टेक्निकल इशू में। लगभग 90% तो आपको 6 महीने के तकरीबन में बैटरी ख़राब हो जाती है टेक्निकल इशू में। तो इन बातों का आपको ध्यान देना है कि हर दो तीन महीने के अंदर आप चेक करते सर्विस करते रहें और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो या वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।